और हाँ गाइस, इस वीडियो से जितना भी पैसा बनेगा, जितना भी पैसा आएगा, सब वो इंडियन आर्मी के नाम पे डोनेट किया जाएगा। तो प्लीज़ जितना भी हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद दोस्त, स्वागत है सत्तम डिफेंस अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो आपको इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना है तो ये गलती आपको सिर्फ नहीं करनी है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो गलती आपको नहीं करोगे तो 100% गारंटी बोलता हूँ कि इंडियन आर्मी तू ज्वाइन कर पाएगा। और यदि तूने ये जो वीडियो नहीं देखी और इसमें जो जो गलतियाँ मैं आपको बता रहा हूँ यदि नहीं देख पाया तो शायद इंडियन आर्मी तेरा सपना अधूरा रह जाएगा और सपना पूरा कभी नहीं हो पाएगा। जो जो मैं आपको बता रहा हूँ 101%, ये जो बहुत सी जो आपके लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गलतियाँ आपको कभी नहीं करनी चाहिए। वीडियो पूरा कंप्लीट देखो, इसमें जो जो गलतियाँ बताई हैं कभी आपको लाइफ में दोबारा नहीं करनी है। आज से जो वचन देना है कि जो मुझे प्रॉमिस करना है कि जो आज के बाद ये गलती आप नहीं करोगे, ठीक है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए और आपके हेल्पफुल लिए और इंडियन आर्मी ज्वाइन करने में बहुत ज़्यादा आपको मदद होने वाली है और हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो कंप्लीट देख लेना। गाइज, इंडियन आर्मी आपको रियल में जाना है तो यह जो मैं आपको गलती बता रहा हूँ बिल्कुल आपको नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। प्लस आपके जो इंडियन आर्मी का सपना है या जो अपने गवर्नमेंट का जो अपना सपना देखा है, राजस्थान पुलिस हो या अपने दिल्ली पुलिस या किसी भी RPF हो या कोई भी अपने CRPF जो CSF कोई भी किसी भी में जाने में आपने सोचा है, वो कभी नहीं पूरा हो पाएगा। तो जो जो गलती बता रहा हूँ ये है जो 100% आपकी लाइफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं आपको रियल बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और जो अपनी जो मानसिक जो प्रॉब्लम होती है वो सबसे ज़्यादा इसी से प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ ये गलती मत करना, ठीक है। जो हम बोलते हैं कि जो हस्त मुस्तन हो या जो सेक्स बोलते हैं वो आपको लाइफ में कभी नहीं करना है। जो अपनी अभी पढ़ाई चल रही है तो पढ़ाई के लेवल पर आपने नहीं करनी है, या आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये गलती नहीं करनी है। हस्त मुस्तन हो या सेक्स हो बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखना। यह जो कंडीशन जो आपको क्या होता है कि अपने रनिंग में जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, प्लस आपका जो डिमोटिवेट होगा, दिमाग पूरा ख़राब रहेगा, प्लस जो अपना मन रहेगा वो जो बिल्कुल असर लगेगा और पढ़ाई करने का मन नहीं लगेगा और रनिंग करने का भी बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तो कहते जो ये चीज़ें अपने दिमाग को मानसिक संतुलन खराब करेंगी, तो इन चीज़ों से ज़्यादा दूर रहिए। मेरे ये कि अवेयरनेस दे रहा हूँ आपको, एडवाइस दे रहा हूँ इन चीज़ों से दूर रहना। और एक और चीज़ आपको मेन बता दूँ, ये जो ज़रा ध्यान से सुनना, दिमाग खोल के सुनना, 17.5 से 21 साल तक प्यार मोहब्बत सब एक धोखा है। पढ़ाई कर ले, तैयारी कर ले, अभी तो बेटा मौका है। तो प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहो, कुछ नहीं होता है इनमें, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, सब झूठी बकवास है। तो इन चीज़ों से प्लीज़ दूर रहना, जितना हो सके अपने मॉम डैड के लिए करो, सब कुछ करना है उनके लिए करो। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा खड्डे में डाल देगी, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी। आपके ऊपर कोई केस लग गया, कोई जो मारपीट का कोई भी ऐसा कोशिश हो गया तो अपने जो इंडियन आर्मी का सपना अधूरा रह सकता है, ठीक है। ऐसे बंदे भी देखे हैं जो जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में कहीं पिट जाते हैं और जो वहाँ पे ऐसा केसेस हो जाते हैं उनके ऊपर, वो इंडियन आर्मी का सपना अधूरा रह जाता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहना है, चोरी डकैती किसी भी मारपीट के मामले से दूर रहो, क्योंकि इंडियन आर्मी में जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है तब वहाँ पर मांगा जाता है सर्टिफिकेट, वो अपने जो अपने नज़दीकी थाना या जो पुलिस स्टेशन से बनता है। और जब ये जो आपका थोड़ा छोटा सा भी केस का नाम होगा वहाँ पर आपका, तो ये जो आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा और जो आपको कैंसिल कर देगी जब भर्ती, और वहाँ से जो आपको भर्ती में कैंसिल कर दिया जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, वहाँ से कैंसिल हो जाएगा आपका। तो प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहना है और जब तक हो सके इन चीज़ों से तो बहुत ज़्यादा दूर रहो, आपके लिए अच्छा रहेगा। जो भी करना है अपने मॉम डैड के सपनों को पूरा करना है और उन्हीं के लिए सब कुछ करना है, ठीक है। और सेकंड बात करूँ, हस्तमुद्रन मैंने आपको बता दिया है, इन चीज़ों से दूर रहना है, सेक्स हस्तमुद्रन सब चीज़ इन चीज़ों से दूर रहो, ठीक है। बाकी जो जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है। और गाइस, दूसरा जो आपका होने वाला है जिम, जो बंदे जो जिम करते हैं कि जिम करने से जो आपके जो रनिंग में कुछ इफेक्ट पड़ेगा या ऐसा कुछ, तो आपको अभी इंडियन आर्मी की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको जिम नहीं करनी है, क्योंकि इनसे जो होता है क्या, ये जो आपकी मॉडल बसल बन जाएगी, ये जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना उनके लिए जो जिम होती हैं, बट अपने लिए जो रनिंग वाले बंदे हैं उनको जितना आपका शरीर पतला होगा, जो अपना शरीर मेंटेन रहेगा अपने हाथों में रहेगा तब तक जो सही रहेगा, बाकी जिम हो गई बॉडी बन गई कोई मतलब नहीं है उसका। वो अपने बॉडी बिल्डिंग के लिए जो अपने फाइटिंग कर रहे हो तो वहाँ सही है, लेकिन अपने इंडियन आर्मी की जो तैयारी कर रहे हैं उनको बाद में आप बना सकते हो। जब है जो आपने किसी भी फौजी को देखा होगा, किसी भी इंडियन आर्मी के जवान को देखा होगा, उसकी बॉडी है वैसे ही है जो मेंटेन होती है और बहुत अच्छी हो जाती है जब वो भर्ती होने के बाद। तो प्लीज़ बाद में बढ़ जाएगी आपकी बॉडी और जिम करने की जरूरत ना है आपको, कोई भी आपको ऐसे 6-pack, 8-pack बनाने की कोई ज़रूरत ना है, ठीक है। जब तक हो सके अपने इंडियन आर्मी के जो 1600 meter रनिंग होती हैं, 400 meter रनिंग होती हैं, 100 meter रनिंग होती हैं, उनको कम्प्लीट करो, वही अपने लिए बहुत बड़ा है जो जिम का जो टारगेट होता है, ठीक है। तो वही करो, बाकी ऐसे जिम विम करने की कोई जरूरत ना है आपको, ठीक है। इनसे होता है क्या कि 6-pack बन गए, ये बन गए, ऐसा कोई मतलब नहीं है। इंडियन आर्मी आपके 6-pack, 8-pack नहीं मांगे जाते हैं, ओनली 1600 meter की रनिंग और फिजिकल पूरा कंप्लीट होना चाहिए तो आप भर्ती हो, ये मेन इंपॉर्टेंट होता है।
तो प्लीज जिम से दूर रहो, ठीक है? ठीक है, तो गाइस मैंने आपको पूरी जानकारी बताई है, और फिजिकल और एग्जाम पे मेन फोकस करना, अपने दिमाग को पूरा वहीं रखना, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहना, जो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इन चीज़ों से दूर रहो। अपने बॉडी नहीं चाहिए, मसल नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और नहीं ये जो अपने दिमाग को कहीं और ले जाना है। और जो जो पीछे हैं, जो बंदे बोलते हैं कि हस्त मोशन ज़्यादा होता है, तो उनको बता दूँ, जो ये चीज़ आप देखते हो, वीडियो देखते हो, नाइट में नाइट कॉल होती हैं, इन चीज़ों से दूर रहो। अपने दिमाग को संतुलन में मेंटेन में रखोगे तो 100% आपको कोई भी ऐसा दिमाग में आइडिया नहीं आएगा। अपने फ़ोन को जितना हो सके दूर रखना है, और जो पबजी लवर हैं, जो फ्री फाइटर ये खेलते हैं, इनको भी दूर रहना है, क्योंकि ये आर्मी में अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करती हैं। जब आप पढ़ाई करते हो तब भी आपको वही दिमाग में आएगा, पबजी हो या जो गेम के लवर होते हैं, इनको प्लीज़ से इनसे दूर रहो। आपको ऐसा कोई भी नहीं करना है, अपने दिमाग को संतुष्ट रखो और पढ़ाई में ध्यान रखो, प्लस फिजिकल दबा के करो। जब आप तो गाइस वीडियो पसंद आई, वीडियो को हर एक दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, अपने हर एक इंडियन आर्मी भाई के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे जो अपने दोस्त ऐसी चीज़ों से दूर रहें, उन चीज़ों से दूर रहें, उनकी जो लाइफ को बर्बाद होने से बचा सकते हो गाइस। और उनके दिमाग को संतुष्ट रखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करो इंडियन आर्मी के लिए। इस वीडियो से जितना भी जो मुझे पैसा आएगा, जितना भी जो एड से इनकम होगी, वो सब इंडियन आर्मी के नाम करूँगा, जो अपने दान में दे सकता हूँ या डोनेट कर सकता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो जितना शेयर उसके जितना शेयर करना, जिससे इस वीडियो जितना भी जनरेट हो वो किसी इंडियन आर्मी के जो कुछ भी डोनेट हो सकता है, या जो अपने कहीं भी किसी को भी डोनेट कर सकता हूं मैं, तो प्लीज़ वो उसके जितना इस वीडियो को साथ शेयर करना, जिससे जो अच्छे से कुछ पैसा बने उससे जनरेट होके उसको इंडियन आर्मी के नाम पे डोनेट कर पाऊँ, ठीक है? ऐसा करता हूं, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चाहता दोस्तों शेयर करना, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।